पहले तो मतलब कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, यहाँ आके सही होनी ही होनी है। बहुत बड़ा दाम है। मैं पिछले 20 साल से कम से यहाँ आ रही हूँ जी। बिल्कुल, मैं भी बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ। पैसे उसारे तो मेरा पूरा काम हुआ और मेरे आज गठान का नामो निशान नहीं है। मेरे बेटे को इधर गठान थी 2-3, बहुत पहले से ही थी, बचपन से ही। अरे जय जय दंत रउआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय दंत रउआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय दंत रउआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय 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 सिया राम, जय हनुमान, जय दंत रउआ धाम की। आइए दंत रउआ सरकार 1008 फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हम ददरउआ धाम के कई सारे चमत्कार, कई सारी महिमाएं आपके बीच लेकर आते हैं। इसी तरीके से ददरउआ धाम में आज ग्वालियर के भक्तों के द्वारा भंडारा आयोजित किया गया था और उसी के मध्य भोपाल और मुंबई के ये दो भक्त हमारे बीच अलग अलग जुड़ रहे हैं और दोनों लोगों के भाव हम आप तक साझा करेंगे कि किस तरीके से इनके मन में भाव है ददरउआ सरकार के प्रति। दी जय सिया राम। जय सिया राम। आपको भी जय सिया राम। देश दुनिया के कोने कोने से, विश्व के कई देशों से लोग ददरउआ सरकार 1008 से आपको देखेंगे, सुनेंगे। सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे ददरउआ धाम के दरबार से? सबसे पहले तो मतलब कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, यहाँ आके सही होनी ही होनी है। पहली चीज़ तो बहुत बड़ा दाम है। मैं पिछले 20 साल से कम से यहाँ आ रही हूँ, तब से देख रही हूँ जो भी कुछ भी है यहाँ पे, जो भी बिगड़े काम है, जो भी है, पूरे होते ही हैं। इनका कहना है कि जो भी बिगड़े काम हो, जो भी बीमारी हो, धाम से ठीक हो ही जाएगी। एक तरह से ये बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं। आप क्या संदेश देंगे? जी बिल्कुल, मैं भी बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ। जो भी हमारी मन्नत होती है, जो भी हम मांगते हैं बाबा से, सारी कृपा उनकी रहती है। बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया जब विपत्ति का समय आया हो, जब संकट आया हो और आपने बाबा को याद किया हो, तो बाबा डॉक्टर या फिर आपके लिए कोई सहायक रूप में मौजूद हुए? क्या हुआ? उनके बस पैसे लो, सार के रख दो और काम हो जाता है बस। यानी घर से ही काम हो? हाँ, मैं बोल मेरे आ नहीं पाती हूँ, पैसे उसारे और काम हो गया बस। काम हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। मेरे एक गठान बताई थी डॉक्टर ने, ऑपरेशन के लिए बोला था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होना निश्चित है। लेकिन मैंने जब दंदरुआ के पैसे उसारे तो मेरा पूरा काम हुआ और मेरे आज गठान का नामो निशान नहीं है। अब गठान नहीं है? बिल्कुल। ये जो वाक्य आप बता रहे हैं, लगभग कितने वर्ष पहले का ये वाक्य? ये करीबन हो गए 4 साल, 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले की ये बात है? जी बिल्कुल। आपने क्या ऐसा चमत्कार देखा जब से, सबसे पहली बार क्या चमत्कार देखा था जब से आप मानने लगी कि ददरउआ सरकार में विराजे हनुमान, चमत्कारी हनुमान? मेरे बेटे को इधर गठान थी 2-3, बहुत पहले से ही थी, बचपन से ही, तो उन्हीं के वो पैसे उसार के रख दिए थे और उनकी वो भभूति लगा दी थी, बिल्कुल सही है अब। यानी भभूति से ही चमत्कार? बिल्कुल, आ नहीं पाए, फिर बाद में आए तो उनके पैसे फिर चढ़ा दिए थे मंदिर पे। ददरउआ धाम में आज आपके भैया हैं, इन्होंने आज भंडारा दिया है और महाराज जी भी कहते हैं ददरउआ धाम का भंडारा बहुत चमत्कारी है, बहुत लोगों को लाभकारी होता है। आप क्या कहेंगी इस भंडारे के बारे में, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरीके से लोग प्रेरित होकर भंडारा करें या भंडारा खाने आए? मैंने भंडारा अभी तक खाया नहीं है, फर्स्ट टाइम है मेरा। पहली बार खा? हाँ, मैंने अभी तक नहीं खाया भंडारा। अच्छा, आपने ऑनलाइन देखा है? नहीं, मैंने भंडारा किया भी है। अच्छा, आपने भंडारा किया भी है और जो हमने बाबा से बोला था वो हमारे सारे पूरे काम हुए। भंडारा किया, बड़े अच्छे से भंडारा हुआ, कभी यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अन्न धन धान्य की पूरी सारी व्यवस्था पूरी वही करते हैं, बाबा करते हैं, सब हनुमान जी करते हैं, हनुमान जी करते हैं, ये हमारी श्रद्धा है पूरी। ये श्रद्धा अद्भुत होती है और कहते हैं ददरउआ सरकार का दरबार है भक्ति का भंडार, जो आएगा सच्चे मन से उसके पूर्ण होंगे काम। तो इन्हीं भावों के साथ मैं आप सभी के बीच जुड़ा रहूंगा, अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा आप सभी। श्री ददरउआ सरकार 1008 ऑफिशियल चैनल से अवश्य जुड़िएगा और एक जयकारे के साथ आप भी आज के दिन सच्ची हाजिरी श्री ददरउआ डॉक्टर हनुमान को अर्पित कीजिएगा। बोलिए ददरउआ धाम की जय।